महाराज जनक ने देखा कि हमारी लड़की ने धनुष उठा लिया है और जो बहादुर उस धनुष को तोड़ के गिरा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। देश विदेश के राजाओं के लिए पत्र भेजे, देश विदेश के राजाओं के लिए पत्र भेजे हैं। ये 100 रुपया भेजवा रहे हैं श्रीमान शेर सिंह दरोगा जी, मथुरा के रहने वाले। क्या मथुरा लिखा है? मथुरा के हैं जो 100 रुपया भेजवा रहे हैं। शेर सिंह दरोगा जी मथुरा वालों की तरफ से 100 रुपया हमारे करीब आई है। भगवान सद्बुद्धि देता रहे, समाज में सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। पत्र में, खत में, चिट्ठी में एक ही बात लिखी है जनक ने, जो बहादुर धनुष को तोड़ के गिरा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। और जिस समय पत्र मिला है विश्वामित्र को आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में, खबर मिली। कब खबर मिली? क्वार के शुक्ल पक्ष एकादशी को, एकादशी को खबर मिली कि पाते ही खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले। ग्वार के शुक्ल पक्ष एकादशी को खबर मिली है, द्वादशी को राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आगे बढ़े हैं। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बिहार उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते ही साधन बीना आनंद है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जिस समय आजमगढ़ में खबर मिली है, 100 रुपया भेजवा रहे हैं शिवराज सिंह नंगला छोटे के रहने वाले हैं और 100 रुपया हमारे करीब आए हैं अहबरन सिंह नंगला छोटे के रहने वाले हैं। ये 100-100 रुपया भेजवा रहे हैं। भगवान दीर्घ आयु दे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे बढ़े हैं राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में, तो क्या देखा है इन्होंने? एक निर्जन वन है, उस वन में एक पत्थर की नारी पड़ी हुई है। तो राम ने पूछ लिया विश्वामित्र से, गुरुदेव ये क्या है? बोली ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। जवाब दिया पत्थर कैसे हो गई? तो विश्वामित्र ने कहा, राम से कहा, एक बार अहिल्या की सुंदरता इंद्र ने देखी। इंद्र ने जब अहिल्या की सुंदरता देखी तो मन ही मन में सोचने लगा कि हम अहिल्या के साथ छल करें, मगर कैसे करें? गौतम ऋषि सारे दिन घर पे रहते हैं। तो इंद्र पहुंच गया, कहां पहुंच गया? अपने मित्र चंद्रमा के पास में। तो चंद्रमा को लेके जब इंद्र आए हैं गौतम ऋषि के द्वार पे, गौतम के द्वार पे, चंद्रमा ने पूछ लिया यहां काय को लाए हो? तो इंद्र बोले, चंद्रमा बात ये है ना, तुम थोड़ी देर के लिए कि तुम मोरा गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। मैं घर घुस जाऊंगा।
से कहा कि तुम मुर्गा बनो, तो चंद्रमा मुर्गा बनो लला मुर्गा। और मुर्गा बनने के बाद वो चंद्रमा गौतम ऋषि के द्वार पे पहुंच गया रात के समय। हमारे समझ से जुई टाइम हो ये निकाद कम ज्यादा। बस चंद्रमा ने मुर्गा बनने के बाद गौतम के द्वार पे पहुंचने के बाद में कि मैं मुर्गा ने बादल भर रे बोला बोला कि बोला थी और मुर्गा बनने के बाद चंद्रमा भगवान ने बादल भर रे।